Hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सलमान खान का जो परफ्यूम कलेक्शन है जो उन्होंने लॉन्च किया है. तो उनके परफ्यूम्स में से एक परफ्यूम का रिव्यू जो कि मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम है उनके इंटायर कलेक्शन का. सो एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे मेल व्यूअर्स हैं तो उनके बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ कंटेंट लाऊं. तो हियर आई एम. आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस परफ्यूम के बारे में जो कि मेन परफ्यूम है. सो ये वीडियो मेरे सारे मेल व्यूअर्स और मेरे फीमेल व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि अगर आप कोई अच्छा सा गिफ्ट जो कि अफोर्डेबल भी हो येट थॉटफुल भी हो और फेमस भी हो ब्रांडेड हो ये गिफ्ट ढूंढ रहे हैं अपने किसी मेल दोस्त के लिए या अपने पापा के लिए या फिर अपने भाई के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. अगर आप इस परफ्यूम को परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैंने खुद से इसे अमेजन से परचेज किया है आप लोगों के लिए रिव्यू करने के लिए. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पैकेजिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं. ये इस तरीके का एक ब्लैक पैकेजिंग में आता है. ये कार्डबोर्ड केस है जहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिटेल्स भी मिलता है और सलमान खान का एक फ़ोटो भी दिया गया है. ये है FRSH फ्रेश परफ्यूम्स. ये 30 ml का है जिसका प्राइस है एक्चुअली 399 लेकिन मैंने इसे हाफ प्राइस में ख़रीदा था अमेजन से और ये अमेजन पे हर वक्त सेल में रहता ही है. लाइक 199 rupees या 249 rupees ऐसे प्राइस में आपको ये मिल जाएगा. लेकिन इसका कई सारे और वेरिएंट्स भी है तो मेरे पास जो वाला वेरिएंट है वो है डेट. ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर था अमेजन पे हाईएस्ट रेटिंग में था ये और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे. सो आई थॉट लेट मी फर्स्ट स्टार्ट माय रिव्यू विद दिस वेरिएंट ओनली. अगर ये अच्छा रहता है तो मैं और इसके वेरियंट्स को ट्राई करूंगी और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी. इस तरीके का ग्लास पैकेजिंग में आता है. बहुत छोटू सा है बट 30 ml है और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है. ये एक इतने बड़े ब्रांड का सलमान खान के ब्रांड का परफ्यूम है. सो उस हिसाब से प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है और ये ब्लू कलर में आता है. इसका जो कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. कलर से ना काफ़ी कुछ आपको पता चलता है. इसका कलर ये मुझे बता रहा था कि इट्स वेरी फ्रेश एक्वा एक रिफ्रेशिंग सा फ्रेग्रेंस होगा. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ओनली. और डेट मीन्स ऐसा ही होना चाहिए. कुछ स्पाइसी सा मेन के लिए अच्छा नहीं रहता है. वो विमेन के लिए अच्छा रहता है बट फॉर मेन आई थिंक कुछ फ्रेश रिफ्रेशिंग सा फ्रेग्रेंस मुझे अच्छा लगता है. और इस तरीके से ब्लैक कलर एक स्प्रे नोजल है जहाँ से परफ्यूम निकलता है. तो जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो इवनली जो पार्टिकल्स है परफ्यूम के वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है. और इसका जो फ्रेग्रेंस है ना दैट्स सो अमेजिंग. इतना ज़्यादा फ्रेश इसका फ्रेग्रेंस है. थोड़ा सा मिंटी सा फ्रेग्रेंस मुझे लगता है बट द फ्रेग्रेंस इज सो फ्रेश सो रिफ्रेशिंग. बहुत मैनली फ्रेग्रेंस है इसका. बिल्कुल भी गर्ली नहीं है. एकदम मैनली इसका फ्रेग्रेंस है. तो अगर आप कुछ अच्छा सा परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जो कि फ्रेश हो फ्लावर नोट्स उसमें ना हो इसमें कुछ भी फ्लावरी सा नहीं है. मिंटी सॉर्ट ऑफ इसका फ्रेग्रेंस है जो सभी को पसंद आएगा. जनरली अगर आप एक अच्छा सा शावर लेते हैं उसके बाद डेट पर जा रहे हैं तो उसके लिए ये परफ्यूम परफेक्ट रहता है. ये आपको फ्रेश रखेगा. बट एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा इसका कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो कई सारे लोग हैं स्पेशली मेल जो लोग एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहते हैं. ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. बहुत माइल्ड हल्का सा फ्रेग्रेंस है जो आपको सिर दर्द नहीं देगा बट इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. स्वीट फ्रेग्रेंस इसका नहीं है. रिफ्रेशिंग फ्रेश इसका फ्रेग्रेंस है. टू बी वेरी ऑनेस्ट वन वर्ड फॉर दिस फ्रेग्रेंस इज फ्रेश. और इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. मे बी बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट क्योंकि उनका जो परफ्यूम कलेक्शन है ना तो उसमें हाई एंड परफ्यूम्स भी आते हैं. ये सबसे सस्ता वाला परफ्यूम था तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई थिंक ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. आपको 3-4 घंटे के बाद इसे रीअप्लाई करना पड़ेगा. बट जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर उसका जो फ्रेग्रेंस है ये 3-4 घंटे तक ईजिली रह जाता है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड परचेज. प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली गो फॉर दिस वेरियंट डेट. क्योंकि पर्सनली मैंने इसे इस्तेमाल किया है और इसका फ्रेग्रेंस मुझे अच्छा लगा. मुझे बहुत ऐसे कम परफ्यूम्स होते हैं जिनके फ्रेग्रेंस अच्छे लगते हैं. ज़्यादातर मेल परफ्यूम्स का ना फ्रेग्रेंस
इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मुझे सिर दर्द होने लगता है, बट इसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि आपको कुछ फ्रेग्रेंस आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, फ्रेग्रेंस तो है इसमें और एकदम फ्रेश फ्रेग्रेंस है। सो आई थिंक आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं 199 रुपीज़ में जब आपको मिल रहा है ना, इसे आप कार्ट में ऐड करके रख सकते हैं, जब प्राइस ड्रॉप होता है तब आप परचेस कर लीजिएगा। दैट्स अ ट्रिक दैट आई फॉलो। और ये जो पैकेजिंग है ना, ये काफ़ी स्टर्डी है, ट्रैवलिंग के वक्त भी इजी होगी। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। इसी तरीके के मैं मेल व्यूअर्स के लिए भी कंटेंट्स लाऊंगी, सो प्लीज़ फॉर दैट आप नीचे आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं कि मैं अपने मेल व्यूअर्स के लिए कैसा कंटेंट ला सकती हूँ। सो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।